दिल हो तो प्रतीक सहजपाल जैसा, जी हाँ, जिस इंसान ने प्रतीक के लिए नेगेटिव ट्रोलिंग करवाई, जिस इंसान ने प्रतीक के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी करवाई, ये तक कह दिया कि भाई पूरे के पूरे गाने में मैं ज्यादा अच्छी दिख रही हूं और प्रतीक नजर भी नहीं आ रहे, अब उस इंसान को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्रतीक खुद सपोर्ट में आए हैं कशिका के, और उन्होंने कशिका को ट्रोल करने वालों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स, मैं हूं ज्योति नाहक। अगर आपने अब तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया और चाहते हैं तो कर सकते हैं @ज्योति नाहक 7 पर फॉलो। प्रतीक सहजपाल ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतीक का ये इतना बड़ा सा ट्वीट है। प्रतीक लिखते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, प्लीज स्टॉप अब्यूजिंग एंड और यूजिंग फिल्थी लैंग्वेज अगेंस्ट कशिका कपूर। ऑनेस्टली एज अ ह्यूमन बीइंग, आई वुड नॉट लाइक एनी वुमन बीइंग ट्रोल्ड और अब्यूज्ड और टारगेटेड। प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल रीडिंग दिस। जी हाँ, प्रतीक ने अपने फैंडम से साफ रिक्वेस्ट कर दी है कि आप में से जो भी लोग कशिका को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक एक इंसान सामने नहीं आएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रतीक फैम है ये जरूर नजर में आएगा। इसीलिए प्रतीक ने रिक्वेस्ट की है सबसे कि प्लीज स्टॉप ट्रोलिंग कशिका कपूर, क्योंकि मामला अब मुंबई पुलिस तक जा चुका है। वेल, आपको इस बारे में क्या है कहना? प्रतीक अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्रतीक फैम आपसे गुजारिश है कि मुसीबत प्रतीक पर आ सकती है अगर आपने कंटिन्यू किया कशिका को ट्रोल करना। प्रतीक अपनी तरफ से इस बात को लेट गो कर चुके हैं, सो आप भी कीजिए। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे प्रतीक के स्वीट जेस्चर पर, आप लोग बताइएगा हमें कॉमेंट सेक्शन में।